नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्लासरी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों वर्णमाला परीक्षण दोस्तों हमारा दोस्त क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में डिक्शनरी ऑर्डर क्रम में लिखने पर कौन सा शब्द पहले आएगा? तो मैं सब लिख रहा हूं दोस्तों। अपना क्वेश्चन है दोस्तों, रेम रेमी रेमे आरएम। हाँ दोस्तों, इनमें सबसे पहले शब्द कौन सा आया? दोस्तों मैंने कल भी आपको करवाया था दोस्तों इस क्वेश्चन, आज भी करा रहा हूँ ये क्वेश्चन एक बार। बताइए दोस्तों सबसे पहले कौन सा शब्द आया दोस्तों? इनको एक बार क्रम से लिखेंगे दोस्तों। चारों क्रम से लिख लिए दोस्तों, अब इनमें देखें कौन सा क्रम पहले क्या आता है दोस्तों। तो आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे और आर यहाँ पे, तो चारों में सेम आ रहा है सब, तो इससे पता नहीं लगा सकते दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? ए आता है, आर वाला तो नहीं आएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, यहाँ पे ई, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई है, तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? ए आता है, तो ये तो आ जाएगा एक नंबर पे दोस्तों। और आई आता है 9 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, तो ये वाला आ जाएगा सबसे आखिरी में दोस्तों। अब यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई, पता नहीं लगा सकते, इसको काट देंगे दोस्तों। आगे देखेंगे तो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, इसमें भी पता नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। आगे चलेंगे, यहाँ पे एम है, यहाँ पे वाई है, तो हम पता है हमारे को एम 13 पे वाई 25 पे आता है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर पे, ये आ जाएगा 3 नंबर पे। और हमारे क्वेश्चन था करा गया लिखने पर कौन सा शब्द पहले आएगा, तो पहले कौन सा दोस्तों? ये वाला आर एम ई रेम वाला दोस्तों, ये आएगा पहले स्थान पे। और पूछे सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? सबसे आखिरी में ये वाला आएगा, सही है दोस्तों। आगे चलते हैं,
हाँ दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक कर हाँ दोस्तों, अपना क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। छाती, ललाट, पैर, कान और पेट, इन शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना है दोस्तों, क्रमवाइज लिखना है दोस्तों। छाती है, ललाट है, पेट है, कान है, पैर है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? ललाट आएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या होता है दोस्तों? ललाट होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ललाट, ललाट। उसके बाद में छाती, पेट, कान और पैर। तो ललाट के बाद में क्या आता है दोस्तों? कान। तो बाद में क्या आएगा? कान आएगा दोस्तों। कान के बाद में क्या आता है दोस्तों? छाती। तीन नंबर पे छाती आएगा दोस्तों। चार नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? पेट। और पांच नंबर पे क्या आएगा? पैर। सही है दोस्तों। अपना क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित रूप में लिखना था, सार्थक रूप में या व्यवस्थित रूप में क्वेश्चन ये था। तो सबसे पहले क्या आएगा? ललाट, फिर कान, फिर छाती, फिर पेट और फिर पैर। सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा दोस्तों, आपको बताना है। हाथ, कान, नाक, क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाथ है, नाक है, आंख है, पेट, पैर है दोस्तों, ये पैर, पैर है और सिर है। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। हल करिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले आंख आएगी। सही है दोस्तों, सबसे पहले आंख। आंख के बाद में क्या आएगा दोस्तों? नाक। नाक के बाद में क्या आएगा दोस्तों? सिर। सिर में पूरे आ गया दोस्तों, सही है। तीन नंबर पे क्या आएगा? सिर। सिर के बाद में क्या आएगा दोस्तों? हाथ, क्योंकि सिर के नीचे होते हैं हाथ। तो चार नंबर पे हाथ और पांच नंबर पे पैर आ ही जाएगा दोस्तों। सही है दोस्तों, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना पड़ा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने आंख ली, फिर नाक लिया, फिर सिर लिया, फिर हाथ लिए, बाद में पैर लिया दोस्तों। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन है कौन सा शब्द कंप्यूटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों आपको, आपको छाड़ना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों पहला ऑप्शन है क्वेश्चन अपना कौन सा शब्द कंप्यूटर शब्द के अक्षरों के सबसे नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा कौन सा आएगा दोस्तों इसमें जिसे ये शब्द नहीं बनाओ। दोस्तों तो हम लेंगे पहला ऑप्शन सी एम पी टी, तो देखेंगे सी है इसमें, एम भी है, पी भी है और टी भी है, तो ये सब तो बनाया जा सकता है। दोस्तों आगे चलेंगे यहाँ पे आर है, ई है और ओ है, सी है, तो यहाँ पे आर भी है, ओ भी है, सी भी है और ए भी है दोस्तों, तो ये भी बनाया जा सकता है। दोस्तों तीसरे ऑप्शन में आएंगे दोस्तों पी है, यू सी ओ, पी भी है, ओ भी है, यू भी है और सी भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। दोस्तों चौथे ऑप्शन में आएंगे दोस्तों एम पी ए टी, एम भी है, पी भी है, इसमें ए नहीं है दोस्तों, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों तो ये अपना आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन था कौन सा शब्द कंप्यूटर के शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ये तीन शब्द तो बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो स्पेलिंग जो मीनिंग इसमें है वो इस कंप्यूटर शब्द में है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ए है, ये कंप्यूटर वाले शब्द में नहीं है दोस्तों, तो ये शब्द नहीं बना सकते दोस्तों, तो ये अपना राइट आंसर होगा दोस्तों, सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे दोस्तों अगला वाला, आपको कॉल करना है दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये शब्द है इसमें कौन सा अक्षर से नहीं बना सकते, चार ऑप्शन दे रहा हूं इनमें कौन सा नहीं आएगा। दोस्तों ये अपना शब्द है, इसमें छाटना है दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन है ये अपने चार ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा शब्द ये वाला शब्द है इसमें कौन से शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ये अपने चार ऑप्शन है, इनमें से एक देखना है जो गलत है दोस्तों, वो शब्द नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, चारों में से आपको छांटना है दोस्तों कौन सा वाला आएगा। दोस्तों हल करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डी टी ई डी, तो डी भी हमारे पास, टी भी इसमें,
एबी है और डीबी है, दो बार डी है तो यहाँ पे भी दो बार डी है दोस्तों। तो ये सब तो बनाया जा सकता है दोस्तों। अगले वाले में देखिए टी ए आई ई, तो टी बी है, ए बी है, आई बी है और ई बी है दोस्तों, तो ये वाला सब भी बना सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में आते हैं डी डबल टी ए, तो डी बी है, टी बी है, लेकिन हमारे इसमें एक ही टी है, यहाँ पे दो टी आ गए, तो ये सब नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि हमारे इसमें शब्द में एक ही टी है तो यहाँ पे दो टी आ गए, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। आगे देखते हैं डबल डी डबल ए, तो यहाँ पे डबल डी भी है और डबल ए, एक यहाँ पे यह रहा है, एक ये रहा, तो ये शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों। तो अपना कौन सा राइट हो गया ऑप्शन, ऑप्शन ये वाला हो गया दोस्तों, ये शब्द नहीं बना सकते दोस्तों, सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आर ई क्वेश्चन है, रे शब्द को हम कितनी बार अधिकतम प्रयोग या संयोजित कर सकते हैं दोस्तों, इस शब्द को हम कितनी बार लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हल करेंगे दोस्तों। आर ई ए, तो एक ये वाला शब्द हो गया आर ई ए दोस्तों, एक बार इसको लिख सकते हैं ए ई आर, सही है दोस्तों, एक बार लिख सकते हैं इसको आर ए, सही है दोस्तों, एक बार हम लिख सकते हैं ए आर ई, एक बार लिख सकते हैं ए ई आर, इस शब्द को हम कितने बार अधिकतम लिख सकते हैं दोस्तों, एक दो तीन चार पांच छह, छह बार लिख सकते हैं दोस्तों, इस शब्द को रेल शब्द को हम कितनी बार प्रयोग या संयोजित कर सकते हैं दोस्तों अधिकतम, तो एक बार तो ये इससे किससे जाएगा दोस्तों, फिर ये छह बार लिख सकते हैं दोस्तों, इस शब्द को छह से ज्यादा बार नहीं लिख सकते दोस्तों, जैसे कि छह से बाद में लिखे हम इसको लेंगे ए आर ई, तो ए आर तो लिखा हुआ दोस्तों, और ले देखो ए ई आर, तो ए ई आर लिखा हुआ दोस्तों, ए ई आर, जैसे ई को पहले ले आर को बाद में, फिर को ई ए आर, तो ये सब भी लिखा हुआ है ई ए आर, तो इसको हम अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं दोस्तों, छह बार लिख सकते हैं। अब ये तो छोटा था, हम कर लिया हम, अगर ये भी बड़ा क्वेश्चन हो तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो मैं सीधा तरीका बता रहा हूं दोस्तों आपको उसको हल करने का। रे शब्द कितना कितने शब्द हैं, एक दो तीन शब्द हैं, सही, एक दो तीन है दोस्तों, सही है, तो इनको उल्टे क्रम में लिखेंगे दोस्तों, जैसे तीन गुणा दो गुणा एक, ऐसे करेंगे दोस्तों इन शब्दों को, सही है दोस्तों, तीन शब्द है तो पहले तीन फिर दो फिर एक, घटते हुए क्रम में चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे पांच होते तो पांच चार तीन दो एक, ऐसे करते दोस्तों, और इनको गुणा कर देंगे दोस्तों, तो तीन दूनी छह, और छह को एक से गुणा करेंगे तो छह ही आएगा दोस्तों, तो ऐसे हम हल कर सकते हैं दोस्तों।
इतना करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। जितने भी शब्द हो उनको करते हुए क्रम में लिखो दोस्तों, उनको गुना कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। सही है, आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, AEEE एप्पल शब्द को हम अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं दोस्तों, या प्रयोग कर सकते हैं या संयोजित कर सकते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, 60, 120, 180, 110, ये चार ऑप्शन है दोस्तों। तो इस शब्द को हम अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं दोस्तों, हल करिए दोस्तों। एप्पल में सब कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर क्रम में चलेंगे दोस्तों, 5×4×3×2×1, सही है दोस्तों, 5 शब्द एप्पल शब्द में, तो अगर क्रम में चलेंगे 5×4×3×2×1, सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे डबल पी कितनी बार है, 2 बार है, जो सब 2 बार है उसको नीचे लिखते हैं दोस्तों, और वो एक घर तो कर्म नहीं दोस्तों, तो एप्पल 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2×1, सही है दोस्तों। जो शब्द 2 बार है उसको नीचे करते हुए कर्म में लिखेंगे दोस्तों, और उसका भाग लगा देंगे इसमें, तो इनको गुणा करेंगे, 5×20, 20×60, 60×120, और 120 में 2 का भाग देंगे तो 60, सही है दोस्तों। हमारा आंसर क्या आ गया, 60 आ गया दोस्तों। जल्दबाजी में 120 मत कर देना दोस्तों, ध्यान रखना 2 शब्द 2 बार आता है ना, उसको नीचे घटते क्रम में लिखना होगा दोस्तों, सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे आप दोस्तों। आज क्या है ना, पूरी प्रश्नावली हल कराना है, उस वर्णमाला को आज पूरी कंप्लीट करना है दोस्तों, आज तीसरी क्लास है इससे पूरी वर्णमाला हो जाएगी दोस्तों अपनी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आज 2-2 क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, पूरा वर्णमाला जो भी टॉपिक है ना वो पूरा कराएंगे दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। अगर आपको फिर भी लगे कोई बाकी है तो आप कमेंट्स करके दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब अपना, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, बताता हूं, जैसे चोर को पुलिस गई, पुलिस को डाकू, डाकू को डाकू जज गए, जज को सिपाही गए, तो कोर्ट में फैसला कौन सुनाएगा दोस्तों, क्यों
क्वेश्चन है दोस्तों, चोर को पुलिस कहे, पुलिस को डाकू कहे, डाकू को जज कहे, जज को सिपाही कहे, तो कोर्ट में फैसला कौन सुनाएगा दोस्तों? ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों, हल करिए दोस्तों। तो हमारे को पता है कोर्ट में फैसला कौन सुनाता है? जज सुनाता है दोस्तों। और जज को क्या कह रहा है? जज को सिपाही कहे। तो कोर्ट में फैसला कौन सुनाएगा दोस्तों? सिपाही। सही है दोस्तों। क्वेश्चन था चोर को पुलिस कहे, पुलिस को डाकू कहे, डाकू को जज कहे, जज को सिपाही कहे। तो कोर्ट में फैसला कौन सुनाएगा दोस्तों? तो कोर्ट में फैसला कौन सुनाता है? जज सुनाता है दोस्तों। और जज को क्या कह रहा है? सिपाही कह रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? सिपाही होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं सर दोस्तों। अपना क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन को चिड़िया कहे, चिड़िया को आकाश कहे, आकाश को पानी कहे, पानी को मकान कहे, मकान को बिजली कहे, बिजली को फल कहे, फल को पुस्तक कहे, तो लोग कहां पे रहेंगे दोस्तों? ये अपना क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मकान, बिजली, आकाश, पुस्तक। हल करिए दोस्तों ये क्वेश्चन अपना, कि साबुन को चिड़िया कहे, चिड़िया को आकाश कहे, आकाश को पानी कहे, पानी को मकान कहे, मकान को बिजली कहे, बिजली को फल कहे, और फल को पुस्तक कहे, तो लोग कहां पे रहेंगे दोस्तों? हल करिए। ऑप्शन है आपके पास मकान, बिजली, आकाश और पुस्तक। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? मकान आएगा, बिजली आएगा दोस्तों, क्योंकि लोग कहां पे रहते हैं? मकानों में। और मकानों क्या कह रहा है? मकान को बिजली कहे, तो क्या आएगा अपना ऑप्शन? बिजली आएगा दोस्तों। सही है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़े लगते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन ये, मैंने तो फिर छोटा ही लिया है, लेकिन और भी इसमें आते हैं दोस्तों। बस आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए दोस्तों, इतना हार्ड नहीं है। आपको लगता ही ऐसा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हल होगा, लेकिन हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
वर्णमाला में एक टाइप और हो गई दोस्तों, और उन शब्द इसमें जिसको इंग्लिश आती है दोस्तों वही हल कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मीनिंग याद होना जरूरी है दोस्तों। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, अपना क्वेश्चन है दोस्तों। डबल एन ईओ में एक बार ही शब्द प्रयोग हो तो इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। अर्थपूर्ण शब्द जानते हो दोस्तों, मतलब ये शब्द है इसमें ऐसी स्पेलिंग बनानी है, मीनिंग बनानी है, इसका अर्थ निकलता हो दोस्तों, अर्थपूर्ण शब्द निकलता हो दोस्तों। तो जाहिर सी बात है जिसको मीनिंग आएगी वही इससे क्वेश्चन हल कर पाएंगे दोस्तों, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जामों में, बहुत कम में आते हैं। जैसे एसएससी में तो आता नहीं, बैंक में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक ये चार ऑप्शन है दोस्तों, तो बताइए ये शब्द में कितने अर्थपूर्ण शब्द निकलेंगे दोस्तों या बनेंगे दोस्तों, करिए दोस्तों। यहाँ पे एन है दोस्तों, ये ऐसा ही बनता यार मेरे से, एन है दोस्तों, तो इसमें एक ही शब्द बनेगा दोस्तों, कौन सा बनेगा दोस्तों, एन ओ एन ई, एन ओ एन ई बनेगा दोस्तों, इसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं बनता दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं कराते कोचिंगों में, क्योंकि ये आते नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ बैंक में ही आते हैं दोस्तों, और किसी भी एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। तो आज हमारा टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट वर्णमाला परीक्षण दोस्तों, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, वर्णमाला कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, कल से नया टॉपिक करेंगे चालू। जय हिंद जय भारत दोस्तों।